मुरादाबाद में 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कटघर स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और समाजवादी पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयपर्दा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डॉक्टर एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम खां, फिरोज खां, आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई लघुबाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में हो रही है। इस मामले में जयप्रदा को आज न्यायालय में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराने थे। न्यायालय में हाजिर न होने के कारण अदालत ने जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में सुनवाई के लिए आज गुरुवार को जयप्रदा न्यायालय में पेश हुई है। देखिए मोबाइल विकी और उनके लोगों ने जो हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद, बस ठीक है, मतलब ये लोगों के सामने भरी सभा में उन्होंने इस तरह का एक महिला को अभद्र टिप्पणी करने पर मुझे बहुत आहत हुई है। और उसी सिलसिले में मुझे एक महिला के नाते, मैं सिर्फ जयप्रदा के सम्मान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे देश के जो महिलाएं, हमारी बिटियां हैं, हमारे जो महिलाएं माताएं, उनके सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। और उन्होंने जिस तरह बदतमीजी किए हैं, जिस तरह उन्होंने भरी सभा में जो हमारे लिए एक असभ्यता के साथ उन्होंने जो टिप्पणी किए हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे न्याय के लिए मैंने गुहार लगाई और मैंने यहाँ पे विटनेस के नाम से हमने आई है। लेकिन मेरे सेहत के वजह से, मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ के वजह से जो डेट दिए हैं और उस डेट पे मैं अदालत में पहुँच नहीं पाई। जय जी, लगभग 5 साल होने जा रहे थे। लेकिन मैं अदालत को हमेशा मैं सम्मान करती हूँ और मैं ऐसे दो बार सांसद रही और इसके वजह से लोगों ने, आपके मीडिया ने भी मेरे को गलत जो है प्रचार किए हैं कि मैं भाग रही हूँ अदालत से, मैं दूर हो रही हूँ, इस तरह का, तो मैं बहुत चिंतित थी। लेकिन जहाँ तक मैं अदालत के नाम से, मैं उनको आदरणीय अदालत को भी, न्यायाधीश को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मुझे बहुत राहत है। मैम सी ए और NBW का उसका कैंसिल हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया, क्या कहेंगे? मैं इसको स्वागत करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने जो कदम उठाई, उनको भी मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये जो नागरिकता का ये जो है वो देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। अगर आप पड़ोसी कंट्रीज़ में आप देखेंगे, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, इस तरह का जो लोग जो है गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए अगर ये पहचान दे रहे हैं, अगर उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए आदर कर रहे हैं, तो ये आदरणीय मोदी जी को ये लागू करने पर हम उनके साथ हैं, वो धन्यवाद करते हैं। लेकिन जी हाजी, कुछ जो पार्टियां हैं, कुछ खासकर केजरीवाल टाइप के लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ नौकरी दे देंगे भारतीय लोगों को, ये क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि जो हमारे दशा जो है, ये गैर मुसलमान वहाँ पे बाहर जो कंट्रीज में रहते हैं अल्पसंख्यक नाम से, तो उनके दशा को आप देख रहे हैं। उनको अगर सम्मान दे रहे हैं, उनके अगर पहचान दे रहे हैं, तो इसमें मुसलमानों को कोई डरने की जरूरत नहीं। जय जी, क्या तैयारी है? 24 का चुनाव है, अब तो तैयार है। सोशल मीडिया पर आपके नाम के भी चर्चा है। ऐसा है कि जयप्रदा कोई निर्णय नहीं ले पाती है और शीर्ष पद पर जो बैठे हैं उनके नेताओं के, उनके आशीर्वाद मिले तो मैं उनके आशीर्वाद से कहीं पे भी बताएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक।